नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको चूरू। रतनगढ़ तहसील का गांव कादिया में पानी का कुंड में डूबने से विवाहिता की मौत वाला मामला में बड़ो अपडेट सामने आयो है। बड़ो सवाल वो है कि हत्या है या आत्महत्या, क्योंकि विवाहिता का ससुराल वाला अफेयर को खुलासा होने के बाद डर की वजह आत्महत्या करनो बता रहा है, तो मायके वाला इन्हें हत्या बता ससुराल वाला ने बीरी मौत का जिम्मेदार बता रहा है। आपने बता दियो घटना 31 अगस्त की रात की है। घटना के अगले दिन मृतका को जेठ परसाराम पुत्र छोटू राम प्रजापत 1 सितंबर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई ही। परसाराम रिपोर्ट में बताया कि बारो छोटू भाई मनफूल प्रजापत विदेश में रह रहे हैं। बीरी पत्नी यानी मृतका भगवती दो बेटियां के साथ घर पर अकेली ही रहती है। इले जेठ को 15 वर्षीय बेटो बारे पास सोने के लिए जाते हो। 1 सितंबर की सुबह जब जेठ को लड़को घर नहीं आयो तो बच्चा का परिजन मनफूल के घर गया। बटे जार देखा तो घर में मनफूल की पत्नी भगवती भी दिखाई नहीं दी। तो फिर भगवती ने घर में और घर के आसपास ढूंढने लग गया। तलाशी के दौरान वे घर में बढ़िया पानी का कुंड में देखा तो भगवती कुंड में दिखी। बिना कुंड बाहर निकाल अस्पताल ले गया तो डॉक्टर भी ने मृत घोषित कर दिया। भगवती की जान चली गई तो परिजन बच्चों पूछताछ करी कि आखिर काई वजह हो सके। तो जेठ को बेटो रोहिताश बतायो कि रात में सभी घर का आंगन में सो रिया हा। देर रात मने ठंड लगी तो मैं कंबल लाने के लिए कमरा के मायने गयो हो, तो कमरा के अंदर चाची भगवती के साथ एक अनजान व्यक्ति बैठी हो जो मैंने देखता ही बटे से भाग गयो। परसाराम रिपोर्ट में बताया कि बात खुलने का डर भगवती कुंड में डूब आत्महत्या कर ली। ससुराल पक्ष रिपोर्ट दी तो पुलिस तहसीलदार गिरदारी सिंह की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजना ने सुपर्द कर दिए। ढांडड़ निवासी मृतका को भाई बाबूलाल हत्या की आशंका जाहिर करता हुआ बहन का ससुराल पक्ष बोलियो कि जटे तक वो भारत नहीं आ जावे तब तक शव को अंतिम संस्कार नहीं करो जावे। फिर वो मंगलवार ने रतनगढ़ पहुंचकर हत्या की आशंका जताता हुआ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है और खुद की रिपोर्ट में बाबूलाल बोलियो कि बिना शक है कि बीरी बहन आत्महत्या नहीं करी है बल्कि भी हत्या करी गई है। इसके बाद पुलिस हत्या को मुकदमा दर्ज कर मंगलवार ने दोबारा मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करवायो। दोबारा हुआ पोस्टमार्टम के दौरान भगवती का ससुराल पक्ष कोई भी व्यक्ति मोर्चरी में मौजूद नहीं रहियो। पोस्टमार्टम के बाद शव पीहर पक्ष ने सौंप दियो गयो। पीहर पक्ष का लोग शव ने ढांडड़ ले गया और बैठे ही अंतिम संस्कार करया। पीहर पक्ष की तरफ वो थाने में दर्ज हत्या के मामले की जांच सीआई दिलीप सिंह करी। अभी के लिए तो ही मामला में आगे जो भी अपडेट मिली बाप तक पहुंचाता रेवा। तब तक के लिए देखता रहिजो झलको चूरू, साथ ही मामला ने देखता हुआ आपने कई लागे हत्या है या आत्महत्या।